राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे अगर कोई जो है कुमार सानू को टक्कर देने वाली जो गायिका थी तो वो थी अलका याग्निक। ये जो है सभी जो सिंगर्स के साथ काम कर चुकी हैं, लगभग हिंदी सिनेमा के जो स्टार सिंगर सोनू निगम, कुमार सानू, पंकज उधास और ये जो अलका याग्निक जानी मानी जो पार्श्व गायिका हैं। अलका याग्निक ने जो है अपने 3 दशक पुराने करियर में एक से बढ़कर एक गीत में जो है अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। लंगा लता मंगेशकर और जो है आशा भोसले के बाद अगर किसी गायिका का नाम लिया जाता तो वह अलका याग्निक ही है। अलका याग्निक के इसी हुनर के कारण जो है कई बार नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर से भी जो है नवाजा जा चुका है। काफ़ी जो स्टार सिंगर हैं। नाम जो है इनका अलका याग्निक, पति का नाम जो है नीरज कपूर, जन्म जो है 20 मार्च 1966 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। बच्चे हैं इनके सहिसा कपूर, धर्म है इनका गुजराती हिंदू। पहला गाना जो है इनका थिरकत अंग लचकी, जो कि फिल्म थी पायल की जनकार। अलका याग्निक का जन्म जो है 20 मार्च 1966 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। वह गुजराती हिंदू परिवार से आती हैं। अलका याग्निक की माता का नाम जो है शुभा याग्निक, जो एक क्लासिकल सिंगर थी और जो है उन्होंने फरवरी 1989 में शिलोंग के मशहूर बिजनेसमैन नीरज कपूर के साथ शादी की। उसी साल उन्हें अपनी इकलौती लड़की सहिसा हुई थी। अलका याग्निक की माता जो एक क्लासिकल गायिका थी तो अलका याग्निक को गायकी की शिक्षा बहुत कम उम्र में जो घर पर ही मिल गई थी। उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में पहली बार कलकत्ता आकाशवाणी रेडियो में काम किया था। 10 साल की उम्र तक जो अलका याग्निक संगीत में जो है वो बिल्कुल महारत हासिल कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने जो है उनकी माता उन्हें कलकत्ता से बम्बई ले कर आई। अलका की मां ने उनका करियर बनाने के लिए काफ़ी प्रयास की। आखिरकार उन्होंने एक पत्र के माध्यम से राज कपूर से संपर्क किया। राज कपूर ने जो है जब अलका की आवाज़ सुनी तो वह उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और पत्र को लिखकर जो है लेकर प्यारे लाल के पास पहुँचे। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जो है उनकी आवाज़ से जो काफ़ी प्रभावित हो गए, उन्होंने अलका को लिए 2 ऑफर दिए। उन्होंने बताया कि चाहे तो वह काम करे या जो है डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करे या जो फिर उनकी आवाज़ परिपक्व होने का जो है इंतज़ार करे। तब अलका की मां ने जो है इंतज़ार करने का जो फैसला किया। 14 साल की उम्र में जो अलका याग्निक ने पहली बार फिल्म पायल की जनकार के गाने थिरकत अंग लचक झुकी में जो है अपनी आवाज़ दी और ये जो है YouTube पर भी आपको गाना मिल जाएगा। इसके बाद उन्होंने 1981 में आई फिल्म लावारिस के गाने मेरे अंगने में उन्होंने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपनी गायकी से लोगों का दिल जीता। साल 1988 में आई फिल्म 1, 2, 3 के लिए उन्हें पहली बार जो है आए गाने के लिए पहली बार फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने 3 दशक पुराने करियर में हिंदी के अलावा उर्दू, गुजराती, अवधी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा में गाने गाए। अलका याग्निक जो है आज उन गायिकाओं में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े संगीतकारों के साथ काम कर चुकी हैं। अलका याग्निक को संगीत में जुड़े लगभग सभी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उसमें जो है अवार्ड निम्न है, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड और ये जो फिलहाल भी काम कर रही हैं और ये जो है GTV के जो है शोज में भी आ चुकी हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।